ये क्या हो गया यार, पॉजिटिविटी बंद हो रहा है। ठीक है, सिक्स टू जी लॉग इन करेंगे पहले। पासवर्ड याद है अरे वाह। लॉग इन किया, ऑथेंटिकेशन हुआ, क्या आ रहा है? हमने थर्ड सेमेस्टर पर क्लिक किया, क्या कुछ हो रहा है? फर्स्ट सेमेस्टर पर क्लिक किया, आजाद हो गया। कंटेंट क्या था? जादू। वैल्यू क्या थी? सेकंड से कोविड 19 इंस्ट्रक्शन आज कॉलेज में। कितने लोगों को समझ में आया ये प्रोजेक्ट? कितना आसान था। अब आपको बस यूआई पर काम करना है, इसको और बेटर बना सकते हो। जो दूसरा कंटेंट आएगा उसकी जैसी है तो ओवर राइट। नहीं 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 नहीं, दूसरा एक नए पेज से दूसरा डेटा ही चला गया, ओवर राइट का चक्कर ही नहीं। हमने एक ही एक्टिविटी बनाई है और बार बार डेटा चेंज भेजा भाई, रेफरेंस से डेटा बार बार अलग गेट हो रहा है। आप जो रेफरेंस भेजोगे उसका डेटा गेट होगा। अभी सेमेस्टर थ्री का कंटेंट अपलोडेड नहीं है, ये देखो सेमेस्टर थ्री का कंटेंट अभी अपलोडेड नहीं है। एक काम करते हैं, आप मुझे कोई अपना फोन दो, इसका एक्चुअल यूज दिखाता हूं। मैं यहां से अपडेट करूंगा आपके फोन पे चेंज हो जाएगा डेटा टेबल। इस ऐप को ऐसे ही यूज करना है। आपने एक ऐप बनाया और इस एप्लीकेशन को सारे लोग यूज करोगे, आप इसे करोगे कि नहीं करोगे? बात नहीं, 72 घंटे का लग जाएगा क्या? वही चलाना करोगे। एडमिन यहाँ से अपडेट कर देगा आपके पलक झपकते ही। ये देखो मैंने सिंगल क्लिक किया, आपकी स्क्रीन पर डेटा अपडेटेड, आपको रिफ्रेश करने की जरूरत। इट इज अ पावर ऑफ फायरफॉक्स, यही जादू था। यह बहुत बड़े लेवल पे आप काम कर सकते हो, लिटरली बता रहा हूँ। आपके कॉलेज में आपका खुद का बनाया हुआ ऐप चलेगा, रातों रात फेमस हो जाओगे। हाँ भाई, जो बनाएगा फेमस हो जाएगा या सब लोग बनाओगे? इसका कॉलेज प्रोजेक्ट क्या है? यही है, फिर तो तू आज ही सबमिट कर दे। आई बात समझ में कि नहीं? तुम्हारा तो बहुत बड़ा फायदा हो गया। सही है, तुम्हें तो टॉपिक लिखे नहीं दिए ये सारे। चलो कर लोगे, बोलो भाई। हाँ जी, पूछना चाहते हो? हाँ जी, बात नहीं। हाँ बात नहीं, सारे लोग शांत रहो। आप लोगों के पास 10 मिनट है, बोलो भाई। यस वो मैं करके दिखाने जाओ, नहीं कोई बात है, 10 मिनट मुझे फोन करते हैं, 5 मिनट लगेगा, 25 मिनट। ये प्रोजेक्ट कर लोगे सारे लोग, बोलो भाई। ये प्रोजेक्ट मुझसे ले लेना, और इसमें अगर आप अपने साइड से कुछ ऐड करना चाहते हो, कुछ इम्प्लीमेंटेशन करना चाहते हो तो करो, इसको बेटर बनाओ और अपने कॉलेज को गिफ्ट करो। क्लियर? अब एक टॉपिक जो इस लिस्ट में मेंशन है, क्लाउड स्टोरेज का। कौन सा टॉपिक? वो मैं बताने जा रहा हूं, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, मुश्किल से भी टाइम नहीं है। आपको बस देखना है, ये कोड भी मैं आपको दूंगा, करना नहीं है। ठीक है, दे देंगे। क्लाउड स्टोरेज देख लो सारे लोग, क्लाउड स्टोरेज का है।
हाथ नहीं तेज, हाथ क्यों करते हो यार? सबसे पहले हम इसे कनेक्ट करेंगे हार्ड बेस के क्लाउड स्टोरेज से। क्लाउड स्टोरेज कनेक्ट किया हमने, कर पाओगे
गेट गेट इंटेंट लॉन्च इंटेंट फॉर पैकेज नहीं नहीं उसे यूज करने की जरूरत यहाँ देखो हम फाइल एक्सप्लोरर ओपन करेंगे हमने लिखा आई डॉट सेट टाइप किस टाइप का आपको डेटा चाहिए मैंने लिखा एस्ट्रिक स्लैश इमेज इमेज टाइप का मैंने लिखा आई डॉट सेट कंटेंट आई डॉट सेट टाइप किस टाइप का हमें डेटा चाहिए आई डॉट सेट एक्शन एंड इंटेंट डॉट एक्शन गेट कंटेंट हमें डेटा गेट करना है देन हमने स्टार्ट एक्टिविटी फॉर रिजल्ट पहली बार हमने ये फंक्शन कॉल किया है देखना स्टार्ट एक्टिविटी फॉर मतलब जब एक्टिविटी स्टार्ट हो तो वो हमें क्या दे और जैसे ही ये फंक्शन कॉल करोगे वैसे ही एक फंक्शन ओवरराइड करना पड़ेगा ऑन ऑन एक्टिविटी रिजल्ट वैसे ही आपको क्या कॉल करना पड़ेगा ऑन एक्टिविटी रिजल्ट ऑन एक्टिविटी रिजल्ट में तीन चीजें आ रही है रिक्वेस्ट कोड आप जो रिक्वेस्ट कोड भेज रहे हो वो हमें मिलेगा मैंने कंडीशन चेक कर लिया ए रिक्वेस्ट कोड इक्वल इक्वल टू जीरो हमने क्या भेजा था जीरो हमें क्या मिलेगा लॉजिकल एंड रिजल्ट कोड इक्वल इक्वल टू रिजल्ट ओके लॉजिकल एंड डेटा इज नॉट इक्वल टू नल अगर ये सब कुछ है देन डेटा डॉट गेट डेटा और इसको मैंने किसमें स्टोर कर लिया फाइल पाथ वेरिएबल जो मैंने ऊपर बनाया था और मैंने यहीं पर लिखा इमेज व्यू डॉट सेट इमेज यू आर आई और मैंने फाइल पाथ को पास कर दिया सिंपल हो गया रन अभी आपको दिखाता हूं ये देखिए सबसे पहले तो मैं एक पिक्चर रख लेता हूं अपने पास कैमरा बन गया भाई कैमरा दिख रहा है कहीं क्योंकि इसमें अभी कोई पिक्चर होगा नहीं एमुलेटर अभी आज ही बनाया था तो इसमें एक दो पिक्चर हम क्लिक करके रख लेते हैं फर्स्ट पिक्चर हमने क्लिक किया डिजाइन चेंज सेकंड पिक्चर हमारे पास प्रोग्रेस कितने पिक्चर आ गए दो अब हम जब इसे रन करेंगे तो फाइल एक्सप्लोरर में हम पिक्चर को देख पाएंगे देखिएगा सारे लोग ये देखो बात नहीं ये देखो सेलेक्ट पिक्चर क्लिक किया सीधे फाइल एक्सप्लोरर खुला मैं यहां गया ऐसे तो ओपन होता है एसडी कार्ड में गया बैक आते हैं रीसेट में चलते हैं फिर से सो इंटरनल स्टोरेज कहीं कैमरा देखो पिक्चर देख रहा है नहीं देख रहा क्या था बिल्कुल आप मिल गया लेकिन ये सिलेक्टेबल नहीं है मतलब हमारे कोड में गड़बड़ है हमने लिखा है इंटेंट ठीक है सेट टाइप में मैंने लिखा एस्ट्रिक स्लैश इमेज एक्शन गेट कंटेंट इमेज को देखो सेलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं आ रहा मतलब कोड में ही कहीं गड़बड़ है Thank you.
दिख रहा है इमेज, हमने सेलेक्ट किया और जैसे सेलेक्ट करोगे इमेज आपके ऐप में आ गया। बोलो भाई यस सर। अब मैं चाहता हूँ जैसे अपलोड पर क्लिक करूँ ये इमेज कहाँ चला जाए सीधे क्लाउड स्टोरेज में, तो उसके लिए आपको फायरबेस पर आना पड़ेगा। जैसे रियल टाइम में आपने परमिशन दिया था, रूल डिफाइन किया था रीड एंड राइट का, वैसे क्लाउड स्टोरेज में भी आपको रीड एंड राइट का क्या देना पड़ेगा, परमिशन। ये देखो ये स्टोरेज, मैंने स्टोरेज पर क्लिक करा लेफ्ट साइड में, गेट स्टार्टेड दिख रहा है ये ऑथेंटिकेशन, नेक्स्ट डन। बात नहीं, तब तक कोड लिख देता हूं। स्टोरेज के लिए काम करना है तो फायरबेस स्टोरेज और यहां पर स्टोरेज रेफरेंस मैंने लिखा स्टोरेज इज इक्वल टू फायरबेस स्टोरेज डॉट गेट इंस्टेंस, रेफरेंस इज इक्वल टू स्टोरेज डॉट गेट, वही जैसे रियल टाइम में आपने किया था, बस वहां फायरबेस डेटाबेस यूज किया था और यहां हमने फायरबेस स्टोरेज यूज किया। क्या मैं कुछ नया लिख रहा हूं? रेफरेंस का नाम क्या रखना है? मैंने लिखा अपलोड स्लैश, मतलब मैं चाहता हूं अपलोड नाम से एक फोल्डर बने और उसके अंदर डेटा जाए, उसके अंदर पिक्चर जाए, मैंने अपलोड स्लैश लगा दिया। अब दूसरे बटन पर हम लॉजिक लिखते हैं, बटन ऑन क्रिएट में बटन पर लॉजिक लिखेंगे ना भाई, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? बटन टू डॉट सेट ऑन क्लिक लिस्टनर, न्यू ऑन क्लिक लिस्टनर, और ऑन क्लिक में मैंने सीधे सीधे लिखा बटन के क्लिक पर प्रोग्रेस डायलॉग भी बना लेते, प्रोग्रेस डायलॉग क्या नाम है इसका, मेन एक्टिविटी डॉट दिस पीडी डॉट सेट मैसेज प्लीज वे पीडी डॉट शो, और नीचे मैंने लिखा रेफरेंस डॉट पुट फाइल, और फाइल में मैंने क्या पास कर दिया, फाइल पास हो गया। कौन कह रहा था स्टोरेज पढ़ाने बताया, तो वही तो था जैसे रियल टाइम यूज किया वैसे स्टोरेज। अभी देखना एड ऑन सक्सेस लिस्टनर, एड ऑन फेलियर लिस्टनर सेमीकॉलन, सक्सेस लिस्टनर में मैंने लिखा पीडी डॉट डिसमिस और टोस्ट में क्या लिखा हुआ आ जाए फाइल अपलोडेड, और फेलियर में क्या हो पीडी डॉट डिसमिस और टोस्ट में क्या लिखा हुआ आ जाए सिंपल। क्या मैंने बहुत बड़ा तीर मार दिया इसमें, मैंने पूरा इतना खतरनाक सा लॉजिक लिख दिया, वही तो है रियल टाइम वाला, बस नाम चेंज है। यहां पे हम कुछ फाइल करेंगे, यहां पर हमने कुछ फाइल किया, वहां कुछ वैल्यूज सेट वैल्यूज करते थे, ये लोग हमने रन किया इसे फिर से। हमने इसे फिर से रन किया, अभी देखना बात नहीं। अच्छा क्लाउड स्टोरेज पे ये देखो, यहां पर रूल्स में
यहाँ पर रूल्स में आपको रूल्स को रीड एंड राइट को क्या करना पड़ेगा, ट्रू करना पड़ेगा स्टोरेज में। अभी क्या है यहाँ पे नल, आपने क्या लिख दिया ट्रू, और यहां से क्या क्लिक किया पब्लिश, रूल पब्लिश, गो टू फाइल। क्या अभी यहां कोई पिक्चर है? नहीं है, हमने पिक्चर को सेलेक्ट किया, अपलोड किया, वेट, फाइल अपलोडेड। इस पेज को रिफ्रेश करते हैं, कैसे रिफ्रेश करेंगे, कहीं ऑप्शन दे रहे हैं रिफ्रेश का? अरे रूल्स में जाते हैं फिर फाइल पे आ जाएंगे, वैसे गो टू फाइल, अपलोड फोल्डर बन गया, अभी फोल्डर बन रहा है, ओके अपलोड में ही पिक्चर आ गया, देखो आ गया कि नहीं आ गया, उतनी काम करना है, कुछ नया नहीं लिखना, जितना पढ़ा दिया उतनी पत्थर की लकीर हो गई, कोई मिटा नहीं सकता। बहुत बढ़िया, रियल टाइम डेटाबेस में बस टेक्सुअल इन्फॉर्मेशन दे सकते हो, बस टेक्स्ट, और क्लाउड स्टोरेज में कोई फाइल दे सकते हो, ओनली टेक्स्ट। अब टेक्स्ट में नंबर अल्फाबेट सिंबल सब आ जाते हैं बेटा, ठीक है, और क्लाउड स्टोरेज में हम क्या भेजेंगे, फाइल, फाइल में पिक्चर पीडीएफ डॉक सब आ जाएंगे, नहीं क्लाउड स्टोरेज में टेक्स्ट नहीं आता, क्लाउड स्टोरेज में बस फाइल है, क्लियर? yes, अब आप इसको अपने जो अभी मैंने प्रोजेक्ट बनाया आपके कॉलेज वाला उसमें इसे इंप्लीमेंट कर सकते हो कि नहीं? पिक्चर सेलेक्ट करा लेना फैकल्टी से, एडमिन वाले में, वो अपलोड करेंगे पिक्चर सर्वर पे, हो जाएगा, बोलो भाई, क्लियर? लॉक किया जाए, थर्सडे मिलते हैं, थर्सडे आपका ट्वीट और बाकी चीजें होंगी, और जो एक दो टॉपिक्स हैं एमएल वगैरह मैं कोशिश करूंगा आधे घंटे में उसे कंप्लीट करा दूं, ठीक है भाई? यस, अच्छा ये दे दो प्रोजेक्ट, एक लोग को दूंगा, किसी को पेन ड्राइव में बात करूंगी, चलो कोई बात नहीं, कॉमेंट कर दो ना इसे। अब एक नई चीज और सीख लो, सपोज यही प्रोजेक्ट यहाँ देखो बात नहीं, अब मुझे यही प्रोजेक्ट इनको देना है फेडराइव, अब क्या करोगे, बहुत सिंपल, ये जो ऐप है इस पर राइट क्लिक करना, ठीक है, यहाँ पर शो इन एक्सप्लोरर का ऑप्शन आएगा, शो इन एक्सप्लोरर, यहाँ जैसे ही सोइन एक्सप्लोरर पर क्लिक करोगे ये यहाँ ओपन हो जाएगा। एंड्रॉइड स्टूडियो प्रोजेक्ट पर मैंने क्लिक किया, क्लाउड स्टोरेज, सबसे पहले गलती मत करना, सबसे पहले इसे किसमें कन्वर्ट करना, जिप फाइल में, क्योंकि इसके अंदर हजारों फाइलें होती हैं, जब कॉपी करोगे तब इसकी वैल्यू पता चलेगी, बहुत टाइम लगेगा, तो इसीलिए जिप फाइल बना, पहला जिप मैंने ये बना लिया, दूसरा हमने फाइनल प्रोजेक्ट नाम दिया, क्या नाम था, माय फाइनल प्रोजेक्ट है, हाँ माय फाइनल प्रोजेक्ट जो अभी हमने बनाया है उसे भी दे देता हूँ, मैंने दोनों का जिप बना लिया, ठीक है, कर लोगे ना? बस इसको अनजिप करके अपने एंड्रॉइड स्टूडियो में ऐसे इसको अनजिप कर लेना, कहीं भी किसी लोकेशन पे, यहाँ लिखना फाइल ओपन, क्लिक करना उस प्रोजेक्ट को सेलेक्ट कर लेंगे, कर लोगे ना? बहुत बढ़िया,